Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahabaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज हम लोग करने वाले हैं डीजेनरेसी. हमारे बैच के सारे बच्चे बैठे हुए हैं, हंसने की जरूरत नहीं है रोशन. हम लोग करने वाले हैं डीजेनरेसी, इसमें देयर इज नथिंग फनी इन इट. शुभम को भी काफी हंसी आई है. चलिए, ऑनलाइन क्लासेस से सब लोग अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार हो चुके हैं. स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. डीजेनरेसी डिस्कस करेंगे अपने इस क्लास में. डीजेनरेसी क्या है मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा. तो डीजेनरेसी को समझने के बाद हम डीजेनरेसी को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. आपके पास स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जो कि एक नॉर्मल एलपीपी का क्वेश्चन है. आप लोग सिंप्लेक्स मेथड सीख चुके हैं और उसके बाद आज के क्लास को कर रहे हैं, तभी कुछ मजा आएगा, तभी कुछ समझ आएगा, वरना आज का क्लास आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंप्लेक्स मेथड आपको आना चाहिए. क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक एलपीपी है जो हमें सॉल्व करना है, जो मैक्सिमाइजेशन टाइप का है, जिसमें जेड इजल्स टू 5x1 प्लस 3x2 है. कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं, आपको साफ दिख रहा है कॉन्स्टेंट्स में कोई चेंजेस नहीं करने हैं. तो जब आप कॉन्स्टेंट्स का कोई चेंजेस नहीं, मतलब जो जरूरी चेंजेस है वो तो करना ही पड़ेंगे. यहाँ पर हमारे पास सब कुछ लेस देन है, यानी सब में लैकिंग है, तो स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे. स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने के बाद ये जो टोटल हमारा फॉर्म आया, ये देखिए 100010001 फॉर्म कर रहा है ना. आई होप कि आप लोगों को यह दिख रहा होगा और इतना आप लोगों को पता चल ही चुका होगा अब तक सिंप्लेक्स मेथड के बाद कि यहाँ पर x3 का कोफिशियंट 1 है, यहाँ पर x3 का कोफिशियंट 0 होगा और यहाँ x3 का जो कोफिशियंट है वो भी 0 होगा. तो ये हमारा 100 का कॉलम फॉर्म कर रहा है, ये 0x4, यहाँ पर 1x4 है और यहाँ भी 0x4 होगा. तो ये 010 का फॉर्म कर रहा है और ये 0x5 प्लस 0x5, तो ये 001 फॉर्म करके दे रहा. तो ये हमारा बेसिस मैट्रिक्स जो है वो फॉर्म कर रहा है. अब इज इक्वल टू 2, 10 और 12 है और हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है पता है आपको, x3 x4 x5 पे बेस्ड होकर हमें नया इस तरह से बनेगा. जो प्रीवियस ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो आप देख सकते हैं, ये हमारा प्रीवियस ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, वो चेंज होकर ऐसा बनेगा. तो हम लोग चलते हैं सिंपली इसके बाद सिंप्लेक्स टेबल. ये रहा हमारा सिंप्लेक्स टेबल, ऐसा ही होता है हमारा सिंप्लेक्स टेबल. बेसिस सीबी बी x1 से लेके x5 तक, ठीक है. कॉस्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दिया हुआ था, मिनिमम रेशियो, क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम मिनिमम रेशियो तो अभी हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले क्वेश्चन पे आते हैं. जैसा कि आप लोग क्वेश्चन को देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन में से हम लोगों ने इसे 53000 इसको सी के कॉलम में डाल दिया. देख पा रहे हैं सी के कॉलम में 53000 डाल दिया. अब ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम बन रहा है, यहाँ पर x1 का कोफिशियंट, x2 का कोफिशियंट, x3 का कोफिशियंट, x4, x5 का कोफिशियंट और ये हमारा पूरा b होता है, ठीक है. ये हम लोग फर्स्ट सॉल्यूशन जो फॉर्म करते हैं वो इसी से फॉर्म करते हैं. तो ये हो जाएगा 1, 1, 1, 0, 0, 2. देखती है हम लोग, यहाँ देखते हैं है या नहीं, 1, 1, 1, 0, 0 और 2 यहाँ हो गया. बिल्कुल उसी तरह से दूसरे वाले में हम लोगों ने किया, वैसे ही हम लोगों ने तीसरे वाले में किया. तीनों हमारा यहाँ रेडी हो चुका है. अब क्या करेंगे, अब हम लोग अपने इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे जिस तरह से सिंप्लेक्स टेबल को कैलकुलेट करना जानते हैं. कैसे हम सिंप्लेक्स टेबल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सिंप्लेक्स टेबल के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है, ओके. तो हम लोगों ने अब एक सिंपल सिंप्लेक्स टेबल को सॉल्व करना है. आई होप कि आप लोगों को सिंप्लेक्स टेबल के बेसिक चीजों का तरीका पता होगा. सिंप्लेक्स टेबल में सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, सिंप्लेक्स टेबल का सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं सीबी से रेस्पेक्टिव कॉलम्स को मल्टीप्लीकेशन. मैं बी की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, बी अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे. इन लोगों ने बी कैलकुलेट किया है, ये हमेशा करते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है. ये हम सिर्फ फाइनल टेबल में करते हैं जब हमें रिजल्ट देना होता है कि जेड मैक्स की वैल्यू कितनी आई, तब हम इसे करते हैं. उससे पहले हम रेस्पेक्टिवली पहले सबसे पहले ZJ की कैलकुलेशन करते हैं. ZJ के कैलकुलेशन का हमारा जो तरीका था वो पहले से सीखा हुआ है कि हम 0 को 1 से, 0 को 5 से, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, फिर ZJ माइनस CJ करेंगे, तो ZJ की जो वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट आती है उससे CJ करेंगे और ये हमारा टेबल रेडी होगा. फिर हम लोग इसमें से मोस्ट नेगेटिव सेलेक्ट करते हैं जो कि यहाँ पर है -5. आप लोगों को पता है -5 हमारा एंट्रिंग वेक्टर बन जाएगा जो हमारे इस नए बेसिस में एंटर करने वाला है. लेकिन जब आपको एंट्रिंग वेक्टर मिल जाती है तो आपको डिपार्टिंग वेक्टर सर्च करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग करना होता है मीन रेशियो. तो चलिए, हमें मिल चुका है एंट्रिंग वेक्टर, तो मीन रेशियो क्या करेंगे, जो भी आपका बी है उससे हम लोग डिनोमिनेटर में हमेशा एंट्रिंग वेक्टर को रखेंगे. तो 2/1, देखिए हम लोगों ने मीन रेशियो के लिए लिखा 2/1, फिर हम लोगों ने लिखा 10/5, फिर 10/5 और फिर लिखा 12/3. अब मीन रेशियो का मेथड आपको पता है, टोटल रिजल्ट निकालते हैं. पहला का रिजल्ट आया 2, दूसरा का रिजल्ट आया 2, तीसरा का रिजल्ट आया 4. क्वेश्चन ये उठता है कि मीन रेशियो जो है वो क्या आ रहा है. तो इस क्वेश्चन का आंसर सीमा दे सकती है. सीमा, मीन रेशियो कितना आ रहा है, सीमा अनम्यूट करके आंसर दीजिए.
टू, मतलब यस फर्स्ट, मतलब सिर्फ टू, दोनों। यस टू। हाँ लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि, म्यूट कर लीजिएगा सीमा, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि टू जो हमारा है वो एक कॉलम में नहीं बल्कि दो दो कॉलम में चला आया, राइट? टू हाँ दो हाँ कॉलम में चला आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि हम लोग किसे ले सकते हैं? सिंपल सी बात है, अगर टू लेंगे तो टू के रिस्पेक्ट में हमारा जो जो ये अगर हमारा डिपार्टिंग वेक्टर बन रहा है तो हमारा की एलिमेंट बन रहा है वन, और सेम टाइम हाँ एलिमेंट हमारा फाइव भी फॉर्म हो सकता है अगर हम लोग नीचे वाला टू लेंगे, क्योंकि दोनों ही मिनिमम है। इस क्वेश्चन के लिए एक बार के लिए ना इस पहले वाले टू को एंट्रिंग वेक्टर ले लेते हैं, इसे कंसीडर करते हैं। तो हमारा की एलिमेंट वन होगा, ठीक है, और की एलिमेंट को हाँ वन लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट टेबल में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टेबल, ये हमारा नेक्स्ट टेबल, देखिए नेक्स्ट टेबल रेडी हो चुका है बिल्कुल उसे इस्तेमाल करके। यहां हम लोगों ने मीन रेशियो नहीं निकाला है, मीन रेशियो निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप जेड जे माइनस सी जे निकाल रहे हो तो ऑल पॉजिटिव चला आया, यानी कि ऑप्टिमलिटी रीच्ड, राइट? ऑप्टिमल जो रीच करना होता है वो हमारा रीच हो चुका है अभी, तो हम लोगों को और मिनिमम रेशियो की जरूरत नहीं है, हमारा फाइनल वैल्यू आ चुका है। क्वेश्चन यह है क्या प्रॉब्लम हुई, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ कि चैप्टर का आज का जो डिस्कशन है, डीजेनरेसी इन सिंप्लेक्स, ठीक है, तो सिंप्लेक्स टेबल तो हम लोगों ने अभी तक बनाया, ये डीजेनरेसी कहाँ आई इसे मैं समझाना चाहूंगा, एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ध्यान से देखिए, हमारा जो बी कॉलम आया वही हमारा फाइनल रिजल्ट देता है, ए वन यानी कि एक्स वन की वैल्यू, तो एक्स वन की वैल्यू कितनी आई टू, एक्स ये हुआ एक्स फोर, एक्स वैल्यू की कितनी आई जीरो, और एक्स फाइव की वैल्यू कितनी आई सिक्स, एक्स फोर की वैल्यू कितनी आ गई जीरो, यानी कि फोर नॉन बेसिक हो गया, ठीक है, याद रखिए इस किसी का जीरो आना यानी कि वो जो वैल्यू है वो हो गया हमारा नॉन बेसिक। अगर किसी की वैल्यू नॉन बेसिक फॉर्म कर दी जाए उस कंडीशन को हम कहते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो डीजेनरेटेड हो गया है। क्लियर? भी आप किसी भी बेसिस में जो जो वेक्टर्स है आपके पास उसकी वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं है, मतलब आप उसको फॉर्म ही नहीं करोगे, उसे कैलकुलेट ही नहीं करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। एलपीपी का जो बेसिक जो चीज है जो हम लोगों ने बचपन में स्टार्टिंग में जब एलपीपी पढ़ना स्टार्ट किया था जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने देखा था कि एलपीपी के क्वेश्चन दिए जाते हैं फॉर्मुलेट एलपीपी सॉल्व एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड, तब हम लोगों ने ये बात जाना था कि दो चीजें बनानी है, जो बेसिक था उसका कि दो चीजें बनानी है, किसी एक चीज को बना के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ क्या पता चला, किसी एक चीज को बनानी ही नहीं है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, राइट? तो ये पॉसिबल नहीं है, इसे ही हम लोग डीजेनरेसी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि जब आपका मीन रेशियो में टाई आ जाए, ठीक है, जब टाई आपको दिखने लगे मीन रेशियो में, तो मीन टाई रेशियो जब आपको दिख जाए तो मान लीजिए कि ये हमारा डीजेनरेसी आ गया है, ठीक है, यही हमारा डीजेनरेसी का कंडीशन है। डीजेनरेसी क्या है, मीन रेशियो में डबल सेम वैल्यूज आना, ठीक। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हम लोग स्टार्टिंग से एक बार दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास एक सिंपल सा एलपीपी का क्वेश्चन था, हम लोगों ने सॉल्व करना है स्टार्ट किया, फर्स्ट टेबल जब बनाया तो मीन रेशियो में टाई आया, कभी ये सेकंड टेबल कभी थर्ड टेबल में भी जा सकता है। अगर ऐसा आपके पास हो कि सेकंड या थर्ड टेबल पे ऐसी डिजेनरेसी आ जाए तो क्या करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने देखा कि डिजेनरेसी अगर आप लोग किसी एक को कैलकुलेट करके, मतलब अगर इसे अवॉइड करते हैं कि किसी एक को भी ले लेंगे तो आपको दिखेगा कि एक आपका जो बेसिक सॉल्यूशन है वो नॉन बेसिक हो जाएगा, ठीक है, जो बेसिक सॉल्यूशन होने चाहिए तो उसमें से एक नॉन बेसिक फॉर्म हो जाएगा तो डिजेनरेसी आएगी। हम इसे अवॉइड करने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैंने यहाँ नहीं लिखा, वो देख सकते हैं कि मैंने जब उस टेबल को इम्प्रूव किया है तो एक्चुअली इम्प्रूव नहीं, मैंने स्टैंडर्डाइज किया है, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है ना, उसके साथ मैंने यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा है। ये मेरा क्वेश्चन था, सभी लेस देन जीरो है तो सिंपल सिंप्लेक्स में बन जाएगा, सिंपल सिंप्लेक्स में आपको 1000001 मिल चुका है, आप टेबल कंटिन्यू करोगे। टेबल कंटिन्यू करने पर आपको क्या दिख रहा है, ये रहा हमारा टेबल। टेबल कंटिन्यू करने पे आपको दिख रहा है आपने A1, A2, A3, A5 निकाला, मीन रेशियो यहाँ नहीं निकाला गया है, मुझे यहाँ फाइनली मीन रेशियो निकालना है, ठीक है, मीन रेशियो निकालना है। मीन रेशियो अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो सबसे पहले देखिए मोस्ट नेगेटिव कौन है, ये है मोस्ट नेगेटिव, अगर आप इसे सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, 8/4, 8/4 करने पर 2 होगा, और ये दोनों 0/2 और 0/3 दोनों ही 0 हो जाएगा, तो मीन रेशियो में टाई आ गया। अगर मीन रेशियो में टाई आया यानी डिजेनरेसी आ गई, तो हम यहाँ पर इस डिजेनरेसी को अवॉइड करने के लिए एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, मीन रेशियो सॉरी जो मोस्ट नेगेटिव लेते हैं उससे मोस्ट नेगेटिव को ना लेके उसके अलावा किसी और को ले लिया जो उसके बाद है, उसके बाद कौन है, 5 है ना, और कोई है ही नहीं टेबल में, पर अगर होता तो ले सकते थे। 5 को हम लोगों ने लिया तो हम लोगों ने 5 सेलेक्ट किया, जब 5 सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, 8/1, ठीक है, मतलब आपने इसे एंट्रिंग वेक्टर नहीं लिया, एंट्रिंग वेक्टर आपने इसे सेलेक्ट किया,
इवन कि हमारा जो सीखा हुआ जो चीज है जो बेसिक चीज है उसके अलावा कुछ सीख कर रहे हैं। तो 8/1 करने पर 8 होगा मीन रेशियो में, और बाकी दोनों में क्या होगा, बाकी दोनों हमारा अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड क्यों होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव है, तो मीन रेशियो हमारा सेलेक्ट हो गया। और जो हमारा डिजेनरेसी वाला कंडीशन था कि टाई हो रही थी, वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई। तो आप लोग सिंपली सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपका एंट्रिंग वेक्टर और ये आपका डिपार्टिंग वेक्टर, और ये वन हो गया आपका की एलिमेंट, और आप क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करो। राइट, क्वेश्चन आपने कंटिन्यू किया, जेड जी माइनस सी जे निकाला, ऑल पॉजिटिव आ गया। ऑल पॉजिटिव मतलब ऑप्टिमेटली रीच। लेकिन फिर से देखिए, क्वेश्चन का कैलकुलेशन करने के बाद जेड मैक्स में आपको जेड वन की वैल्यू जो है वो नॉन बेसिक मिली। जेड वन की वैल्यू नॉन बेसिक मिल जाने का मतलब, एक्स वन की वैल्यू जो है वो नॉन बेसिक मिल जाने का मतलब, फिर से आपके पास जो प्रॉब्लम थे, जो क्वेश्चन था, वो वैसे ही बना रह गया। क्या रह गया प्रॉब्लम, कि इवन कि आपने ट्राई किया कि आप जिस क्वेश्चन को मतलब मोस्ट मिनिमम को ना लेके डिजेनरेसी को यहाँ पर रिमूव कर दिया, आपका डिजेनरेसी फाइनल आंसर तक बच ही गया। इस तरह के कंडीशन में भी हमारी डिजेनरेसी रिमूव नहीं कर पाए। तो आई होप इतने दूर तक समझाने के बाद आपको ये जो डिजेनरेसी वर्ड है ये कुछ कुछ समझ आया होगा। तो मैं पहले आप लोगों से कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। पूजा क्या आप है वहां पर? पूजा हाँ सर। पूजा डिजेनरेसी हाँ, मैंने आपको अभी तक जितनी चीजें समझाई दो चीजें बताई। एक क्वेश्चन के दौरान कि ये हमारा एक पिछला एग्जांपल था जिसमें हम लोगों ने देखा क्वेश्चन को सिंपल तरीके से जब बनाया तो डिजेनरेसी इस तरह से आई कि हमारे पास दो टर्म्स आए जो सेम मिनिमम रेशियो वाले, ये एक डिजेनरेसी हुआ। और एक मैंने डिजेनरेसी बताया कि अगर आप उसको अवॉइड भी कर देते हो तो आपको कहीं ना कहीं नॉन बेसिक वैल्यू मिलेगा। राइट, इसके बाद मैंने दूसरा बताया कि अगर आप क्वेश्चन को डिजेनरेसी वाले क्वेश्चन को इस तरह से स्टार्ट करते हो कि डिजेनरेसी को अवॉइड करने के लिए जो सिंपलेक्स टेबल है उसमें मोस्ट नेगेटिव को ना लेकर उसके अलावा किसी और को लो तो भी मिनिमम रेशियो, अगर आपका सही सही कैलकुलेट हो भी जा रहा है फिर भी आपका प्रॉब्लम जो है डिजेनरेसी वाला नहीं हट रहा है। इतने दूर में कोई डाउट है आपको? नहीं सर। ओके, पूजा के अलावा शुभम वहां बैठे हुए हैं, शुभम को डाउट? नहीं सर। सीमा कोई डाउट? नहीं सर। ओके, सीमा को भी कोई डाउट नहीं है, तो डीजेनरेसी में अब तक कोई डाउट नहीं है। रोशन आपको कोई डाउट? नो सर। ओके, अर्चना आर यू हैविंग एनी इश्यूज? ना सर। ओके, गुलशन ज्वाइन किया है हमें? आई थिंक गुलशन ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। तो ये हमारे जो क्वेश्चंस थे डिजेनरेसी के, ये तो अब तक हुआ कि डिजेनरेसी क्या होता है। मैं आपको बता देना चाहूंगा हमारा एक अलग से वीडियो है जिसमें हम लोगों ने इनफिजिबल, अनबाउंडेड, डिजेनरेसी इस तरह के टर्म्स को डिफाइन करते हुए एक वीडियो बनाया है। ऊपर क्या एक बटन पे हम लोगों को वो वीडियो मिल जाएगा, काइंडली जाकर उस वीडियो को जरूर देखें जहां से आप लोगों को इस बेसिक चीजों के बारे में और क्लियर आइडिया मिलेगा। अब हम लोग आते हैं कि अगर हमारे पास कोई डिजेनरेशन का प्रॉब्लम आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है ये है साइक्लिक प्रॉब्लम, ये आज का टॉपिक है, हम लोग जो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि डिजेनरेसी वाले प्रॉब्लम को हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने जो चीजें लिख रखी हैं जो मेरे लिए बिल्कुल बेकार है मैं इन्हें इरेज करूंगा। और दो क्वेश्चन यानी पिछले वाले क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट करना चाहूंगा जिसमें पहला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में ही मैं आपको दिखाऊंगा कि डिजेनरेसी को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को क्या करने के बाद हम इजी कैलकुलेट कर लेते हैं और सही तरीके से कैलकुलेट होते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को पहले देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो हमारे पास है, इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास टाई हो गया है। राइट, जो आपका एंट्रिंग वेक्टर है वो एज इट इज रहेगा, डिपार्टिंग वेक्टर के लिए आपके पास टाई है। तो डिपार्टिंग वेक्टर के लिए हम लोग नया मेथड बनाएंगे। नया मेथड कुछ इस तरह से है कि जिसमें टाई है हमको बस उन्हें ही कैलकुलेट करना है, बाकियों को हमें कैलकुलेट नहीं करना है। तो इसमें तो कोई टाई नहीं है हमारे पास तो हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, जिसमें टाई है हम उसे कैलकुलेट करेंगे। कैसे? कुछ इस तरह से, आपके पास बेसिस है मतलब ये हमारा एंट्रिंग वेक्टर है ना, बी वाले को तो हम कैलकुलेट करते नहीं है, बी के साथ हम लोगों ने रेशियो निकाल के ही हमारा ये टाई पाया है अपने पास। तो आपको a1 by a1 करना पड़ेगा, ठीक है, a2 by a1, यानी यहां पर मीन रेशियो जब आप लोगों ने निकाला तो कैसे निकाला, जो आपके पास b वेक्टर था और उसमें आपका a1 एंट्रिंग वेक्टर था, आपने उसको डिवाइड किया जिससे आपको ये मिला, टाई मिल गया। तो आप b के बाद a1 किया, आपने डिनोमिनेटर में a1 को रखा था, अब आप a1 के डिनोमिनेटर में a1 को रखो, ट्राई करके देखो। a1 के डिनोमिनेटर में a1 में रखोगे तो 1/1 होगा, 5/5 होगा, 3/3 होगा, यानी टोटल वैल्यू ऑलवेज 1 1 1 ही होगा।
तो वन 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 होने पर तो हम टाई फिर से रह जाएगा। तो हम इसे कैलकुलेट करके देखे हैं, टाई रह चुका है, इसे हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा, वन 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 रिजल्ट आया यानी टाई। अब मैं क्या करता हूँ, ए टू बाई वन करता हूँ, ए टू बाई ए वन, यानी ए वन हमेशा हमारा डिनोमिनेटर रहेगा और मैं करूंगा ए टू बाई ए वन। पहले वाले में क्या होगा, वन बाई वन, वन बाई वन। दूसरे वाले में क्या होगा, ओके मैं यहीं पर छोटे छोटे करके लिख सकता हूँ, वन बाई वन, यहाँ हो जाएगा टू बाई फाइव और यहाँ हो जाएगा एट बाई थ्री। अब ध्यान से चेक करो, वन बाई वन का वैल्यू वन ही होगा, ये क्या है टू बाई फाइव, ये क्या है एट बाई थ्री। एट बाई थ्री को आप सिंपली बोल सकते हो ना कि ये ग्रेटर देन टू है, दो से बड़ा है, तो ये एक है दो से बड़ा है और ये है टू बाई फाइव यानी कि एक से छोटा है, तो सबसे इसमें मिनिमम कौन हुआ, ये हो गया ना, हुआ ये, मतलब कौन सा, ये दूसरा वाला, तो यही हो गया हमारा डिपार्टिंग वेक्टर, हम इसे नहीं लेंगे। तो मिनिमम रेशियो के बाद अगर आप देखते हो कि मिनिमम रेशियो में टाई होता है तो हम चांस का मेथड यूज करेंगे इसे अवॉइड करने के लिए। चांस का मेथड क्या है, चांस का मेथड है आप कुछ मत करो, आप सिंपली डिवाइड करो। डिवाइड कैसे करोगे, जो भी आपका पहले, जो आपने बी पहले मिनिमम रेशियो कैसे निकाला था, ए वन को डिनोमिनेटर में रखे, न्यूमिनेटर में बी को रखा था, यही हमारा मेथड था, हम लोगों ने हमेशा इसी तरह से किया। चांस के मेथड में कहा गया आप एक काम करो, डिनोमिनेटर में उसी को रखो, न्यूमिनेटर में ये जितने हैं सबको ट्राई करो, उसमें से जिसमें भी आप पहले वाले को ट्राई करो, दूसरे वाले को ट्राई करो, जिसमें भी आपको ये मीन वाला क्राइटेरिया ना दिखे, मतलब जहां पर आपको दिख जाए कि वो ये सेम वैल्यूज वाले, ठीक है, टाई होने वाले चीज को अवॉइड कर जाए, उसे चूज कर लो। देखो जब ए वन के नीचे में ए वन किया तो हमारा वन 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 आ गया, तो टाई हो गया, लेकिन जब ए टू के नीचे में ए वन किया तो टाई नहीं हुआ, रिजल्ट आए वन लेस देन वन और ग्रेटर देन टू, तो वन लेस देन आया, तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो गया, सभी वैल्यूज डिफरेंट है, तो टाई हमारा ब्रेक हो गया। टाई किसमें ब्रेक हुआ, मिनिमम तब कौन सेलेक्ट हो रहा है, लेस देन वन, तो हमारा वही हो गया डिपार्टिंग वेक्टर। क्लियर हो गया, डिपार्टिंग वेक्टर अगर आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है तो इसको सेलेक्ट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपने पहले बार इसे ट्राई किया था ना, फेल हो गए थे, डिजेनरेसी आ गई थी, अब इसे ट्राई करो, डिजेनरेसी नहीं आई। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट टेबल पे, और नेक्स्ट टेबल मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, आप लोग मुझे बताओगे। देखिए इस टेबल को हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने मीन रेशियो चेक किया था। मीन रेशियो कैसे चेक किया था, हमारा मोस्ट नेगेटिव है ये, तो हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे, हम लोगों ने सेलेक्ट किया। पहले करेंगे, हम लोगों को पहला पता है मिनिमम रेशियो निकालने के लिए कि हम लोग बी बाई ए वन करेंगे, क्योंकि ए वन सेलेक्ट हुआ है, बी बाई ए वन करेंगे तो एट फोर होगा यानी कि टू, उसके बाद जीरो बाई यानी कि जीरो, जीरो बाई थ्री यानी कि जीरो, आ गया ना टाई, अवॉइड करेंगे। तो हम किसे कैलकुलेट करेंगे, सीमा बताइए किसे कैलकुलेट करेंगे, सीमा सर ए टू बाई ए वन, ए टू बाई ए वन, आप ए वन बाई ए वन भी ट्राई कर सकते थे, ठीक है चलिए ए टू बाई ए वन ट्राई करेंगे, ए टू बाई ए वन चलिए करते हैं। ए टू क्या है वन, ए वन क्या है फोर, तो हमारा होगा वन बाई फोर। बाकी दोनों को देखिए, बाकी दोनों में न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर राइट, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो माइनस थ्री बाई टू माइनस वन बाई थ्री। अब आप बताओ इसमें से छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ऑब्वियसली पॉजिटिव हो नहीं सकता, नेगेटिव में कोई छोटा है। अब इसे समझने के लिए आप दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो, तो एक काम करो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, ये टू है ना, इसको सिक्स कर दीजिए, कैसे होगा सिक्स, थ्री से मल्टीप्लाई करके, तो ये होगा माइनस नाइन बाई सिक्स और ये क्या होगा माइनस थ्री बाई थ्री बाई कितना हम सिक्स कर रहे हैं ना, टू से मल्टीप्लीकेशन कर, यहाँ थ्री से हम लोगों ने मल्टीप्लीके, यहाँ हम टू से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो ये होगा टू बाई सिक्स। ओके मैं थोड़ा क्लियर लिखता हूँ क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो मैं थोड़ा इरेज करके क्लियर लिख लूँ इस पार्ट को, मैं फिर से लिखता हूँ मिनट। ये है हमारा थ्री बाई टू, तो माइनस थ्री बाई टू को, और दूसरा है माइनस वन बाई थ्री, दोनों के डिनोमिनेटर में थ्री का मल्टीप्लाई, यहाँ थ्री करते हैं और यहाँ टू करते हैं, जिससे दोनों का डिनोमिनेटर हो जाएगा सिक्स, तो वेट करने में कैलकुलेट करने में इजी होगा। ये हो जाएगा, हम लोगों ने थ्री मल्टीप्लाई किया है तो नाइन, यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा, अब ये दिख रहा है, ये पहला वाला जो है ये माइनस नाइन बाई सिक्स, यानी अगर आप ऐसे करोगे तो ये अब आफ्टर वन चला जाएगा क्योंकि नाइन है ना न्यूमिनेटर बड़ा है, और ये होगा यहाँ पर, तो माइनस नाइन बाई जो सिक्स है वो मोस्ट नेगेटिव है, सबसे छोटा वैल्यू यही दे रहा है, तो ये हो गया हमारा मोस्ट नेगेटिव।
ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। आपने इसे सेलेक्ट करके इसे की एलिमेंट बनाया और कैलकुलेट किया तो आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा और आपकी ये जो सॉल्यूशन में डिजेनरेसी आई है वो नहीं आएगी। तो चांस का जो मेथड है वो समझ आ गया? सीमा आपको कोई डाउट है? नहीं सर। शुभम आपको कोई डाउट है चांस के मेथड में? तो हम लोग एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं सर। क्लियर हो गया चांस का मेथड कैसे डिजेनरेसी को अवॉइड करते हैं? हाँ सर। पूजा कोई डाउट है? नहीं सर। अर्चना कोई डाउट है? ना। रोशन सर और एक एग्जांपल की सर यहाँ पे बहुत नॉइज हो रहा था सुनाई थी। ओके एक नॉइज के वजह से आपको प्रॉब्लम होगा ठीक है। मैं क्या करता हूँ अब एक और एग्जांपल के लिए मुझे एक और क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी जो कि फिलहाल हमारे पास नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि मैं आपसे एक और इसी क्वेश्चन पे आगे कंटिन्यू करने के लिए कहता हूँ ठीक है। और रोशन आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारा जो मिनिमम रेशियो का टाई है वो ए टू बाई ए वन करके भी फुलफिल नहीं हुआ है ब्रेक नहीं हुआ है तो हम अब एनी आइडिया रोशन? यस सर। क्या करेंगे पता है? रिपीट की सर। रिपीट करें ठीक है। हम सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए हम लोगों ने स्टार्ट किया क्वेश्चन और हमारे डिनोमिनेटर ऑलवेज ए वन ही रहना चाहिए था तो हम लोगों ने ए वन रखा लेकिन न्यूमेरेटर में अगर हम लोगों ने बी ट्राई किया देखा कि हमारा टाई हो रहा है हम लोगों ने ए वन तो ट्राई करना नहीं है ए टू ट्राई किया तो भी देखा कि टाई हो गया वैसे हमारा नहीं हुआ है कंसिडर कर लेते हैं रोशन को समझाने के लिए तो हम ए थ्री ट्राई करेंगे। अब अगर हम ए थ्री बाई ए वन करेंगे तो ए थ्री की वैल्यू क्या है और ए वन की वैल्यू क्या है फोर तो वन अपॉन फोर होगा पहला वैल्यू होगा वन अपॉन फोर दूसरा वैल्यू क्या होगा जीरो है राइट जीरो बाई टू जीरो बाई थ्री यानी दोनों ही बाकी वैल्यूज होंगे जीरो जीरो। इसमें से आपको फिर एक टाई दिख रहा है ना दो जीरो आ गए तो आपको फिर से टाई दिख रहा है आप इसे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे लेकिन ये तरीका हमारे लिए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब आप इसे कैलकुलेट करते तो आप देखते कि टू ये तो हमारा मिनिमम के टाई में नहीं था टाई तो हमारा इन दोनों में था राइट तो हम लोगों को कैलकुलेट ही नहीं करना था कैलकुलेट तो हम लोगों को इन दोनों को करना था। पिछले वाले क्वेश्चन में अगर ये हमारा जब हम लोगों ने किया था अगर ये हमारा मोस्ट नेगेटिव आता फिर भी हम इसे नहीं लेते क्योंकि हमें नेगेटिव तो इन दोनों टाई इन दोनों के बीच में है तो चेक इन दोनों को करना है इसे नहीं और इवन ये हमें नहीं कैलकुलेट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसे हमें कैलकुलेट ही नहीं करना था ठीक है इन दोनों में चेक करना था कि मिनिमम टाई किसमें हो रहा है। तो आपको दिखता है कि इस वाले में अभी भी जीरो जीरो आ गया यानी फिर से टाई आ गया तो फिर आपको क्या ट्राई करना पड़ता है ए थ्री फेल हो गया तो आप ट्राई करते ए फोर और आप चेक करते हैं आपको फाइनली कोई ना कोई रिजल्ट मिल जाता जिससे आपकी जो डिजेनरेसी वाली प्रॉब्लम थी वो चली जाती। आई होप कि इसके बाद आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो मैं आज आप लोगों को एक और टाइप का क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा। क्वेश्चन में कोई सॉल्यूशन नहीं है बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं साइक्लिक प्रॉब्लम। मैं आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन लेके आऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सिलेक्शन सीरीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को वहां दिखेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सिलेक्शन में कुछ क्वेश्चन है जो आपसे कहते हैं कि इज दैट क्वेश्चन इज हैविंग डिजेनरेसी इज दैट क्वेश्चन इज साइक्लिक। तो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे जब आपको पता होगा तब यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करना और उसमें डिजेनरेसी को फाइंड आउट करना ये सिंप्लेक्स के बाद ही हम कर सकते थे लेकिन हम लोगों ने बीच में चांस का बिगम मेथड सीखा हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन सॉरी हम लोगों ने चांस के बिगम मेथड के बाद टू फेज का मेथड सीखा ये सब इसलिए सीखा क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं और सॉल्व करते करते आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है वो है डिजेनरेसी जिसके बारे में आज आप जान रहे हो। एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है जो है साइक्लिक। चलिए इसके बारे में समझते हैं। क्वेश्चन कुछ देखिए मैक्स जेड टाइप का दिया हुआ है। अब आप बिल्कुल इस बात से कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर फ्रैक्शंस दिए हुए हैं ये तो फ्रैक्शंस हो ही सकते हैं कॉन्स्टेंट्स जो दिए हुए हैं फ्रैक्शन दिए हुए हैं ये एक्चुअली जनरेटेड बाय बेल था मतलब ये प्रॉब्लम बेल ने दिया हुआ था इसलिए इसे प्रॉब्लम ड्यू टू बेल भी कहते हैं याद रखिएगा साइक्लिक प्रॉब्लम। क्या चीज है क्या खासियत है इसकी देखिए लेस देन टाइप है तो हम लोग इसमें स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके क्वेश्चन सॉल्व सॉल्यूशन स्टार्ट किया गया क्वेश्चन लिखा गया। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे इनिशियल फिजिक्स सिंपलेस्ट टेबल रेडी कर दिया गया है इसमें जितने जो भी फ्रैक्शंस वाले वैल्यूज थे पुट कर दिए गए कैलकुलेशन किया गया मोस्ट नेगेटिव मिला सॉल्व किया गया मोस्ट नेगेटिव के साथ। इसके बाद हम लोग पहला इनिशियल टेबल बनाया तो फर्स्ट इटरेशन टेबल बनाया गया सॉल्व किया गया फिर से मोस्ट नेगेटिव आया ठीक है फिर एक बार बनाना पड़ेगा
हम लोगों ने सेकंड इटरेशन टेबल रेडी किया. देखिए सेकंड इटरेशन टेबल में भी एक नेगेटिव वैल्यू है, ऑल पॉजिटिव नहीं आया है. और एक बार देखना पड़ेगा, फिर से किए थर्ड इटरेशन टेबल. थर्ड इटरेशन टेबल किए, देखिए यहाँ पर और दो दो नेगेटिव आ चुके हैं, अभी भी ऑल पॉजिटिव नहीं हुआ, तो और कैलकुलेट करना पड़ेगा. फोर्थ इटरेशन टेबल, फोर्थ इटरेशन टेबल में फिर से हमें नेगेटिव मिल रहा है, मोस्ट नेगेटिव ये है, फिर से करना पड़ेगा. फिफ्थ इटरेशन टेबल, अगर आप लोग इरिटेट हो गए हैं तो मत होइए, थोड़ा सा है, मोस्ट नेगेटिव है. प्लीज किसी का बैकग्राउंड साउंड आ रहा है. अभी हम लोगों ने फिफ्थ इटरेशन टेबल बनाया है और फिफ्थ इटरेशन टेबल के बाद आप देख रहे हो कि अभी भी नॉन नेगेटिव नहीं हुआ है, ऑल पॉजिटिव नहीं हुआ, नॉन नेगेटिव है. चलिए आगे करते हैं. अब हम आते हैं सिक्स्थ इटरेशन टेबल में. जब सिक्स्थ इटरेशन टेबल में आते हैं तो ये हमारा फाइनल प्रॉब्लम होता है. अब इसे आप लोग देखने के बाद इसकी कुछ वैल्यूज है जो आप लोग याद रखिए. मैं बोल रहा हूँ बी की वैल्यू कितनी है, देखिए जीरो. ए वन की वैल्यू है -3/4. तो पहले दो तीन वैल्यूज याद कर ले, 0 -3/4 = 20 याद रहेगा, 0 -3/4 = 20 और -1/2, ठीक है, याद रहा है सबको. उसके बाद 6 000, तो ये लगभग वैल्यू है जो आप लोगों के दिमाग में छप गई होगी. पहला 0 -3/4 = 20 -1/2 = 6 000. अब हम जाते हैं सिंपली पीछे, एक बार हम बैक कर रहे हैं और बैक करके हम फर्स्ट टेबल में आते हैं जो हम लोगों ने इनिशियल जो फिजिबल सिंपलेक्स टेबल बनाया था उसका सॉल्यूशन. देखिए तो 0 -20 -1/2 = 6 000. सेम टेबल रिजल्ट आया है. शुभम हाँ सर, सेम रिजल्ट आया है ना. हाँ सर, यहाँ इनिशियल सिंपलेक्स टेबल में देखा है सिक्स्थ इटरेशन के बाद हम देख रहे हैं कि अभी हमारे पास अब भी नॉन नेगेटिव जो है जो हमें लाना है वो नहीं रीच किया है, लेकिन एक टेबल ऐसा आ गया है जो एग्जैक्टली फर्स्ट इनिशियल टेबल के इक्वल है. इस तरह के प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रॉब्लम. यही है हमारा साइक्लिक प्रॉब्लम जिस जो हम लोगों ने देखा था ड्यू टू बेल. एम आई क्लियर. इसके बाद इतने सारे क्वेश्चन के बाद जो मैं आप लोगों को साइक्लिक प्रॉब्लम समझाने की कोशिश की, क्या आपको क्लियर हो गया कि साइक्लिक प्रॉब्लम क्या होता है, कैसे हम लोग साइक्लिक प्रॉब्लम को कर सकते हैं. अब क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्या हमें एग्जाम में साइक्लिक प्रॉब्लम करने के लिए कहा जाएगा और हम लोगों को ये सारे क्वेश्चन साइक्लिक प्रॉब्लम वाले जो है इतने सिक्स्थ इटरेशन के साथ बनाना पड़ेगा. आंसर है मे बी. ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहां पर आपको बोला जाए कि यस एक साइक्लिक प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए. अगर उस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको साइक्लिक बोल देता है तो अलग बात है. अगर बोलता है कि प्रूफ करें साइक्लिक चेक करने के लिए, तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ध्यान रखोगे कि आप प्रॉब्लम कर रहे हो, यानी कि आपका टेबल रिपीट होने वाला है. तो हर एक टेबल के बाद कोशिश कीजिएगा कि वो पिछले किसी टेबल से मैच कर रहा है क्या. जनरली वो ऑलवेज फर्स्ट टेबल से ही मैच करेगा, तब ना वो साइकिल पूरा फॉर्म होगा. तो इस तरह से आप हमेशा आपको वो कहीं ना कहीं फर्स्ट टेबल से दिखेगा. जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि सिक्स्थ टेबल तक जाना पड़ा, हमेशा हमारे साथ ऐसा नहीं होगा. क्लियर हुआ, हो गया सब कुछ क्लियर. तो ये था हमारा आज का क्लास. आज हम लोगों ने डीजेनरेसी को जाना. अपार्ट फ्रॉम डीजेनरेसी हम लोगों ने डीजेनरेसी को अवॉइड करना सीखा, किस तरह से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं डीजेनरेसी को ताकि हम उसे अवॉइड कर पाए. हम लोगों ने साइक्लिक प्रॉब्लम को जाना. तो अब मैं चाहूंगा कि हमारे स्क्रीन को जो हम लोगों ने सीखना था वो सब कुछ देख लिया है, तो मैं स्टॉप करता हूं अपना स्क्रीन शेयर करना. सारे बच्चों के साथ आता हूं, सब लोग वीडियो ऑन कर लेंगे. तो सब लोग एक एक करके ऑन कीजिए. मैं एक एक करके सब लोगों से क्वेश्चन देख लेता हूं. सबसे पहले मैं शुभम से पूछता हूं. शुभम, कोई भी डाउट रहा जितनी चीजें करवाई गई डीजेनरेसी में या उसके अवॉइड करने के तरीकों में या फिर साइक्लिक प्रॉब्लम में? साइक्लिक प्रॉब्लम में एक डाउट है. इसमें सर मैं आपको दिखा रहा हूं साइक्लिक प्रॉब्लम में. बोलिए सर. दिखा रहा हूं सर आपको, रुक के. सर ये जो पहला वाला कॉलम है यहां पे सब कुछ जो है इससे नेगेटिव आया लास्ट कॉलम में, तो इससे भी हम लोग साइक्लिक प्रॉब्लम बोलेंगे. पहला वाला जो आया है सब नेगेटिव आया है? नहीं, साइक्लिक करने का होता है, साइक्लिक करने का मतलब होता है जब आप फाइनल सॉल्यूशन करके पहुंचोगे ना, फाइनल सॉल्यूशन जो है वो फर्स्ट सॉल्यूशन के इक्वल आएगा. उसका जो रिजल्ट आया है, जो मैंने दिखाया, जो मैंने आपको बोला याद रखिए, वो जब आपने देखा रिजल्ट आया और फर्स्ट का जो रिजल्ट आया है सेम आया ना, तब हम कहेंगे प्रॉब्लम. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो नेगेटिव आया है. हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है. हम क्वेश्चन को 6 बार इटरेशन कर चुके हैं और 6th इटरेशन के जो हमारा रिजल्ट आया वो हमारे फर्स्ट वाला जो रिजल्ट आया था उसी के इक्वल आया है, इसलिए हम उसे कहेंगे कि ये डीजेनरेटेड है.
ठीक है, ये साइक्लिक है, डिजेनरेटेड नहीं, साइक्लिक. ओके ओके, और कोई डाउट? नो सर. अर्चना, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो. प्रोडक्ट क्लियर हो गया? अच्छा, यू हैव गॉट एवरीथिंग राइट? नो डाउट्स? और क्वेश्चन था तो बोलते पारो? नो नहीं. नेक्स्ट आई विल लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन टू सीमा. सीमा? पूरा क्लास आपको समझ में आ गया है तो डेफिनेटली इट्स ओके. और बस ये रहेगा हमारा आज का क्लास. हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में, जहां पर हम लोग इस चैप्टर के बाद आगे बढ़ेंगे प्राइमल और डुअल की तरफ. बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमल एंड डुअल. नेक्स्ट क्लास में करने वाला है प्राइमल. अच्छा क्लास इतने दूर तक. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगले क्लास में.